नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। मैं आज आपसे अपनी इस छोटी सी वीडियो में मकर राशि की बात करने वाली हूं। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, यानी 17 जनवरी 2023 को आपकी राशि में से निकल चुका है मकर राशि वालों, और शनि के 17 जनवरी 2023 को आपकी राशि से निकलते ही आपकी शनि की तीसरा चरण जो है शनि के सारसती का वो शुरू हो चुका है। मतलब और 2.5 साल अब ढैया चलेगी। कहते हैं शनि की एक खासियत होती है, 5 साल वो जो भी छीनता है अगले जाते हुए 2.5 साल में वो सब कुछ वापस कर जाता है। तो ओए होए, यानी कि मकर राशि वालों, शनि ने आपसे जो भी कुछ लिया था वो अब आपको वापस करने का समय आ गया। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके कर्मास कैसे हैं। करियर की बात कर लेते हैं, आप थोड़ी धीमी गति से चलेंगे, काम रुक रुक कर होंगे पर होंगे ज़रूर। थोड़ा सा काम में आप परेशानी रह सकती है, कामों को लेके थोड़े अप डाउन रह सकते हैं। जिनकी नौकरी है वो अचानक से उनकी नौकरी जा सकती है, और जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्हें अचानक से नौकरी मिल सकती है। किसी और जगह पर, अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जो आप नहीं चाहते, चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो या ना हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो। बॉस आपको अप से बिठाकर लो पोजीशन पे दे देगा, लो पोजीशन से बिठा के कुछ लोगों को अप पोजीशंस पर दे देगा। बॉस के साथ अनबन हो सकती है, अपने ऑफिस में तालमेल बिठाकर बैठे, गलती से जल्दीबाजी में नौकरी छोड़कर ना आए। अगर आपने जल्दीबाजी में, गुस्से में, अहम और वहम में नौकरी छोड़ दी तो अगले 2.5 साल तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। धन का लाभ होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, पैसा आएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील होगी, आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। लेकिन पैसा आएगा भी और वापस भी चला जाएगा, पैसे में नुकसान भी होगा। दाम्पत्य जीवन आपका खराब रहेगा, आपकी लव लाइफ खराब रहेगी, आपकी बॉस के साथ तालमेल खराब रहेगा, आपकी बिजनेस में, व्यापार में पार्टनरशिप खराब रहेगी। क्या करें, हनुमान जी की पूजा जरूर करें, लाल कपड़े ज़्यादा पहने ताकि आप एनर्जी फील करें। क्या ना करें, नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने और शॉर्टकट लेने से बचें। उपाय, शनि की पूजा, शनि के दान। तमाम तरह की मेरी वीडियो गूगल पर मौजूद है, आप डालिए डॉक्टर वायरा की शनि की वीडियो, आपको मेरी वीडियो का पैनल मिल जाएगा। शनि का दान क्या करें, कैसे करें, कब करें, वो सब देखिए। पीपल के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए, पीपल का एक पत्ता हर शनिवार तोड़कर अपनी जेब में रखिए, बाद में उसे आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपको मेरी सलाह यह है कि आप ओपल का लॉकेट या ओपल की अंगूठी इस वर्ष ज़रूर पहने, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपका जीवन खूबसूरत हो सकता है। माने आपके लिए एक उपाय बहुत उत्तम रहेगा, एक चुप सौ सौ।